सुप्रभात बच्चों, कल हमने किरमिच की गेंद के शब्द अर्थ लिखे। इसमें हमने लिखा आरंभ यानी शुरू करना, किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसे कहते हैं आरंभ। निगाह नजर यानी आंखें, किसी पर देखना तो कैसी टेढ़ी नजर से देख रहा, सीधी देख रहा, ऐसे कहते हैं ना, तो वो निगाह माने नजर। मुडेर छत के चारों ओर की दीवार, एक दीवार हमारे घर के चारों ओर होती है और एक छत में, जो छत वाली दीवार होती है उसे बुढ़ेर कहा जाता है। सुस्ताना आराम करना। अधिकार हक, किस चीज के बारे में ये कहना कि ये मेरा है, उसे कहते हैं हक जताना या अधिकार जताना। सिद्ध साबित करना, प्रूफ करना। मजबूत पक्का, और फौरन तुरंत यानी जल्दी से। आज हम इसके प्रश्नोत्तर कार्य करेंगे। आप नेक्स्ट पेज में प्रश्नोत्तर कार्य लिखेंगे, डेट लिखेंगे और कार्य शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, दिनेश को कैसे पता चला कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश के पास वो गेंद मिली थी और दीपक जिद कर रहा था कि मेरा, लेकिन दिनेश ने कहा कि ये गेंद दीपक की नहीं, तो उसे कैसे पता चला। तो आंसर है, दिनेश को यह पता था कि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी। अगर उसकी गेंद कल नहीं होती तो आजकल में खोई होती, लेकिन दीपक ये कह रहा था कि 5 महीने पहले उसकी गेंद खोई थी, और जो दिनेश को गेंद मिली थी वो बिल्कुल नई थी। तो 5 महीने पहले अगर कोई गेंद खो जाती तो नई तो नहीं रह सकती है वो, इसलिए दिनेश को यह पक्का विश्वास था कि गेंद दीपक की नहीं हो सकती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए कौन कौन सी बातें बताई। अभी दीपक जब जिद कर रहा था कि मेरे, और बहाने बना रहा था, तो पहचान क्या क्या बताई उसने। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसकी टप्पे की आवाज, लाल रंग का निशान आदि बातें बताई। तो वो ये कहने लगा कि जब इसको नीचे फेंको तो जो आ जाती है, मेरी गेंद में भी ऐसी आवाज आती थी, इसमें जो लाल रंग का निशान है वो भी मेरी गेंद में ऐसी था। तो तरह तरह के बहाने वो बना रहा था कि ये इस तरीके से है तो ये मेरी गेंद है, इस तरीके से है तो ये मेरी गेंद है, तो ये बहाने उसकी पहचान बता रहा था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अगर गेंद आपके पास फैसले के लिए आती तो आप क्या फैसला करते। दिनेश ने ईमानदारी से सबसे पूछा कि मुझे गेंद मिली है वो किसकी है, तो सब कुछ न कुछ बहाना बना करके ये मेरी है, ये मेरी कहने लगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर वो गेंद आपके पास आती, दिनेश आप लोग के पास लाता, तो आप क्या फैसला करते। तो सबकी बात सुनकर व समझकर हम वह गेंद दिनेश को ही दे देते, क्योंकि सब झूठ बोल रहे थे। सबकी बातों से इतना तो अनुमान लग गया था कि बॉल किसी की नहीं थी, बस उसको लेने के लिए कोई ना कोई बहाने बना के, कोई ना कोई करके सब अपने अपने झूठ बोल के कह रहे थे कि मेरी है, मेरी है। तो हमारे 3 क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रश्नों का शब्दों का अंतर ज्ञात करो। कुछ कुछ शब्द आपको पता होता है, जैसे पेड़ में टहनी भी होती है, तना भी होता है। तो टहनी किसको कहते हैं, तना किसको कहते हैं, ये हम बताएंगे। टहनी, टहनी पेड़ की डाली जो अलग अलग ताजी निकली होती है पतली पतली, उसको टहनी कहा जाता है। और तना, जब धरती से ऊपर को जो मोटा हिस्सा होता है उसे हम तना कहते हैं। पेड़ का मुख्य भाग जो काफी मोटा होता है। दूसरा कहा पेड़ और पौधा। पेड़ क्या होता है, पौधा क्या होता है, पेड़ पौधे नाम सुनते होंगे। तो पेड़ किसे कहते हैं, पौधा किसे कहते हैं। तो पेड़ बड़ा और मजबूत होता है। पेड़ बहुत बड़े होते हैं, उसके तने बहुत मोटे होते हैं, जैसे आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, ये सब पेड़ कहे जाते हैं। और पौधा किसको कहते हैं, पौधा छोटा और कमजोर होता है, जैसे छोटे गुलाब का पौधा, कुछ फूलों के पौधे, भिंडी का पौधा, सब्जियों के छोटे छोटे पौधे जो होते हैं उनको पौधा कहा। इनका तना कमजोर होता है और ये जल्दी टूटने वाले भी होते हैं। दूसरा है घूस और चूहा। घूस एक जानवर होता है जो चूहे की तरह दिखता है, लेकिन घूस थोड़ा बड़ा होता है और चूहा थोड़ा सा छोटा होता है, ये खेतों में होते हैं। बुढ़ेर और चार दीवारी। बुढ़ेर छत के चारों तरफ की दीवार, आपने शब्दार्थ में भी पढ़ा था कि बुढ़ेर किसे कहते हैं। और चार दीवारी हमारे घर के नीचे, घर के चारों ओर जो दीवार बनी होती है, गेट लगा के बंदर एंट्री भी करते हैं, तो वो चार दीवारी कहलाती है। तो आपने अंतर ज्ञात किया, टहनी और तना, पेड़ और पौधा, घूस और चूहा, मुडेर और चार दीवारी। तो ये लेसन आप करके करके इसको याद करिए और सुंदर सी राइटिंग अपनी नोटबुक में कार्य कीजिए। धन्यवाद।